नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपके फिनेंस, आपके जॉब, आपके लव लाइफ, आपके सिंगल लाइफ, और बाद में लेंगे गाइडेंस कार्ड। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, देखते हैं आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है इन दिनों। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 18 जून तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, देखते हैं आपके हेल्थ कैसे रहने वाला है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपका हेल्थ क्वीन ऑफ सोर्स, आपका हेल्थ तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप बहुत स्वस्थ रहोगे, लेकिन आपका दिमाग जो है बहुत तेज चलेगा इन दिनों। आप मेंटली इतना स्ट्रांग रहोगे कि कोई आपसे कुछ बोलेगा तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। मतलब जो भी बोलेगा, अगर कोई एक बोलता है आप उसको चार सुना दोगे। और जुबान थोड़ा कर भी आपका रहेगा, क्योंकि आप हर तरह से परफेक्ट रहोगे इन दिनों। मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली, पता नहीं फिनेंशियल स्टेटस अभी देखेंगे हम। तो आप थोड़ी तीखी बोल सकते हो इन दिनों, लेकिन अगर मैं पर्सनली आपका हेल्थ के बारे में कहूँ तो हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी देखते हैं आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, देखते हैं आपके फिनेंस कैसे रहने वाला है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन का रीडिंग हो रहा है, ये अर्थ साइन का। तो देखते हैं कैप्रिकॉन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है, मैं क्या कहूँ, ये पूरी तरह से बैलेंस रहेगा। आप परेशान नहीं रहोगे, जितना जहाँ खर्च करना है आप उतना ही खर्च करोगे, जितना सेविंग्स करना है उतना सेविंग्स करोगे। आप जो करोगे सोच समझ के करोगे, बैलेंस तरीके से करोगे। किसी को देना है तो कितना देना है, किसी को किसी के लिए खर्च करना है। और हो सकता है कि आप, आपके फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहने के कारण आप इन दिनों कुछ दान ध्यान भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है, जो लोग करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तो आपको लगेगा कि मेरा फिनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा है तो किसी ज़रूरतमंद को मैं मुझसे कुछ दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो आप दान ध्यान भी कर सकते हो। अभी देखते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। जो स्टूडेंट्स हैं जस्टिस, आप लोग जो इतना मेहनत कर रहे थे, जो जितना मेहनत किया है वो आप ही को पता है आपने कितना मेहनत किया है। तो जो जितना मेहनत किया, अगर कोई लॉ का पढ़ाई कर रहा था और काम भी कर रहा था, कोई जॉब और हायर स्टडीज़ के लिए कोशिश कर रहा था, तो जिसने जितना मेहनत किया है उसका जो सही परिणाम है वो आपको ज़रूर मिलेगी। आपने जैसा किया है, जितना वक्त अपने पढ़ाई में दिया है, तो आपको उसका परिणाम उस तरह से मिलेगा। आपको, आप जो चाह रहे थे वो आपको मिलेगा अगर आपने सही तरह से मेहनत किया है तो। अभी देखते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं द डेविल का कार्ड, मुझे लगता है जो लोग जॉब करते हैं वहाँ आपके काम के ऊपर किसी की नज़र हो सकता है, कोई आपके पीछे स्पाई
लगा सकते हैं, कोई आपके ऊपर इतनी कंट्रोल करना चाहेंगे कि वो जो कहें आपको वो करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आप इन दिनों कुछ बॉसी नेचर के हो जाओगे, या अगर आप पहले से ही बॉस हो तो आपका जो काम है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा और हर के ऊपर आप छड़ी घुमाते फिरोगे। या फिर अगर आप कहीं जॉब करते हो जहां आपके ऊपर आपके बॉस है, उसके अलावा किसी और के नज़र भी आप पर रह सकता है, हो सकता है। या फिर आप वहां इन दिनों आप जहां जॉब करते हो वहां बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी करने में आप व्यस्त रह सकते हो, आप किसी नशे की आदि हो सकते हो, तो आपको संभाल के काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपका कोई भी छोटी सी भी गलती आपको अपना काम में बदनाम कर दे, आपको परेशानी आए, इसीलिए आपको इन दिनों बहुत सचेत रह के अपना जॉब को करना पड़ेगा। किसी की नज़र हमेशा आप पर रहता है, ये आपको समझनी पड़ेगी। अभी देखते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं द लवर्स का कार्ड, बिजनेस में लवर्स का कार्ड आता है, मतलब आपको बिजनेस को लेके कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत दिनों से कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपने बिजनेस को लेके, कि बिजनेस को बाहर एक्सपेंड करें या ना करें, दूसरे लोगों के साथ बिजनेस करें या ना करें, या कोई नए कंपनी खोले या ना खोले। तो इन दिनों आपको उस बिजनेस को लेके कोई तगड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा जो आप बहुत दिनों से टाल रहे थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है जहां आप बिजनेस, जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो, वहां किसी के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाए, आपका प्यार हो जाए, तो आप बिजनेस को लेके डिसीजन लेने के साथ साथ हो सकता है लाइफ को लेके भी डिसीजन ले लो। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जब बिजनेस के कार्ड में लवर्स का कार्ड आता है तो जो बोलना है वो तो बोलना ही पड़ेगा। अभी देखते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या आता है। जो पहले से सिंगल है या झगड़ा करके सिंगल है, कुछ भी तरह से अगर आप सिंगल हो, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, द हामेट का कार्ड, आप लोगों का रिश्ता जो सिंगल है वो कुछ नहीं करेंगे, आपका रिश्ता जैसा है जैसे, रिश्ता मतलब आप जैसे हो वैसे रहोगे, इन दिनों आप कुछ सोचोगे नहीं रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए या रिश्ता करने के लिए, क्योंकि आप सिंगल रहना ही पसंद करोगे। आपको लगेगा जो हो जैसा है भाई, मैं वैसा ही खुश हूँ, सही हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सिंगल रहना आप इन दिनों पसंद करोगे। हो सकता है आप पहले किसी के साथ रिश्ते में थे और उसमें आपको परेशानी आई, तो आपको ये लगेगा मैं जो हूँ भाई, जैसा हूँ, खुश हूँ। कम से कम इन दिनों तो आपका यही एनर्जी रहने वाला है। देखते हैं जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए क्या आता है। जो शादीशुदा लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए देखते हैं शादीशुदा लोगों के लिए क्या एडवाइस आ रहा है। एस ऑफ वांड्स, आप लोगों की रिश्ते में नई शुरुआत होगी। हो सकता है रिश्ते में कोई परेशानी चल रहा था, नई शुरुआत मतलब अगर आप शादीशुदा हो, एक ही घर में रहते हो, तो और नया शुरुआत क्या होगा, मतलब इन दिनों अच्छा चलेगा, बात अच्छी बनेगी, दोनों में सुलह रहेगा। और अगर आप झगड़ा कर रहे थे, अलग थे, मायके में थे, तो वो आपको बुलाने जाएगा और दोनों में सुलह होगी, नई शुरुआत होगी। जो सोच रहे थे बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वो झगड़ा ख़त्म होगा और चीज़ें सुलझी हुई रहेगी इन दिनों, और आप एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहोगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। दरअसल प्लीज़ यूनिवर्स, यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स जी क्या गाइड देना चाहते हैं आप लोगों को। हायरोफंट, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आपको जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। स्पिरिचुअल लोगों के साथ बात कीजिए, उठिए बैठिए, अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जितना हो सके वक्त मंदिर में बिताइए, मतलब जहाँ आपके गुरु के चरण स्पर्श कीजिए, माता पिता के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए जो आपको अच्छे सलाह दे,
और स्पिरिचुअल तरीके से अपने लाइफ सादे ढंग से निभाइए, तो जो कुछ भी अगर थोड़ी बहुत अगर परेशानी लाइफ में है भी, वो भी कम हो जाएगा, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।